अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं एग्री हेल्थ ऑर्गेनिक्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने गार्डन में खूब अच्छे से बिजी होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम बात करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट प्लांट को सीड से कैसे उगाया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ड्रैगन फ्रूट प्लांट को सीड से उगाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिर्फ हमें चाहिए एक ऐसा एयर टाइट जार और कोकोपीट। इसमें इस जार में कोकोपीट डाल लें और कोकोपीट को ऐसे अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहें। इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा दें। इसको ज़्यादा पानी नहीं अभी देना, जस्ट ये कोकोपीट मॉइस्ट हो जाए, इतना सा पानी बस इसको लगाना है कि ये कोकोपीट में मॉइस्चर आ जाए। ये देख रहे हैं कोकोपीट मुकम्मल गीली नहीं हुई, सिर्फ ये ऊपर ऊपर से हल्की सी इसमें मॉइस्चर आ गया। अब इसके ऊपर हम ड्रैगन फ्रूट के सीड लगा देंगे। ये ड्रैगन फ्रूट के सीड हैं, ऐसे बारीक जैसे कलवंजी के दाने हों, इस तरह के ये इसके बीज होते हैं। इसको हम अब इसके ऊपर ऐसे फैला देंगे। बीज डालने के बाद इसके ऊपर दोबारा से हल्का सा पानी दे देंगे। पानी हल्का ही रखना है, पानी जार के अंदर जमा नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना पानी हो कि कोकोपीट मॉइस्ट रहे, बस इतना ही पानी डालना है। इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी कोकोपीट, हल्की सी कोकोपीट और डाल देंगे। कोकोपीट की हल्की सी इसके ऊपर परत लगा देंगे, ज़्यादा नहीं, बस ऐसे हल्की हल्की सी। और दोबारा से इसके ऊपर हल्का सा पानी दे देंगे। ये हल्का सा पानी दे हो गया, बस अब इसको कुछ भी नहीं करना, इसके ऊपर सिर्फ ये ढक्कन दे दें, एयर टाइट कर दें इसको और इसको किसी मतलब के अंधेरी जगह पर रख दें जहाँ रोशनी बिल्कुल ना जाए। आप कमरे के अंदर बेड के नीचे या किसी टेबल के नीचे जहाँ रोशनी ना जाए वहाँ रख दें तो ये कुछ दिनों में जर्मिनेट हो जाएंगे। बीज लगाने के 15 दिन बाद ये आप देख रहे हैं बीज जर्मिनेट हो रहे हैं और काफ़ी हद तक हो भी चुके हैं। ये ऊपर आप ये जो पानी के ड्रॉप्स देख रहे हैं ये इसके अंदर जो मॉइस्चर है उसका पानी है। ये अंदर इस तरह पानी हो तो इसका मतलब है कि आपका जो अंदर का टेम्परेचर है, जो अंदर मॉइस्चर है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखें पानी के ड्रॉप्स, इसको आप साफ कर लें। चला से बड़ी अच्छी जर्मिनेशन हुई है ड्रैगन फ्रूट्स की और अभी कुछ बीज जर्मिनेट हो भी रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं और इसी तरह ये अभी बीज जर्मिनेट भी हो रहे हैं। अब हम इसे इसका ढक्कन उतार कर इसे ओपन रख देंगे और रोशनी में रख देंगे। तो अब ये जो बीज जर्मिनेट हो रहे हैं ये भी जर्मिनेट हो जाएंगे
माशाल्लाह सारे बीज जर्मिनेट हो रहे हैं। 20 दिन बाद का रिज़ल्ट, माशाल्लाह बहुत सारे बीज जर्मिनेट हुए हैं। ये जो जगह आप खाली देख रहे हैं, इसमें से मैंने कुछ पौधे निकाल कर तो अलहदा शिफ्ट किए हैं। ये देखें, तो इसी तरह हम इन सारे पौधों को अलहदा कर लेंगे और अलहदा ऐसे इस तरह छोटे पॉट्स में शिफ्ट कर देंगे, और फिर मैं आपके साथ इसकी अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।